नमस्कार दोस्तों, मैं कुबेर पाटीदार। अभी 7 पे जो कमीशन लागू हुआ है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, 7 पे फिक्सेशन प्रोग्राम भी फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा शुरू कर दिया गया है। तो प्रबोधक कर्मचारियों के लिए अपने जो 7 पे का जो ग्रॉस सैलरी वगैरह और उनका जो डीए है वगैरह, वो अपनी शीट देखने के लिए केवल प्रबोधक कर्मचारियों के लिए एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है इस शीट में, जो मेरे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दिया जाएगा, जो आप अपने मोबाइल में भी इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो शीट आपको दिख रही है, जो शीट्स हैं वर्ड में डाउनलोड होकर आ रही है, वो उसको आप आसानी से अपने मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक कैलकुलेशन शीट जनरेट करी है, जिसको आपको यहाँ से ऑनलाइन है ये, और यहाँ पर टाइप करना होगा आपको इस शीट को देखने के लिए। आप गूगल ब्राउज़र खोलेंगे, गूगल ब्राउज़र में आप टाइप करेंगे finance.rajasthan.gov.in और इंटर करेंगे, तो आपके सामने यहाँ पर होम पेज खुल जाएगा फाइनेंस डिपार्टमेंट का। और यहाँ पर केवल आपको टाइप करना है employee/, और इंटर करेंगे तो employee टाइप करने के बाद में यहाँ पर इंटर करते ही तुरंत ये शीट आपके सामने खुल जाएगी। यहाँ पर employee pay calculation टेस्ट पेज है, यहाँ पर आप नेम ऑफ सर्विस एजुकेशन डिपार्टमेंट्स सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, और employee officer नेम यानी कि अपना नेम जो भी है आपका नाम आप लिखेंगे यहाँ, और डिपार्टमेंट नेम एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं, और डेजिग्नेशन टीचर प्रबोधक आप टाइप करेंगे, और यहाँ पर पे स्केल एंड ग्रेड पे सिलेक्ट करेंगे 9300 से 34800, और आपकी ग्रेड पे है अभी जो भी आपकी ग्रेड पे है सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर बेसिक पे राइट साइड में बेसिक पे ऑन 1/10/2017 एस पर अमेंडमेंट शेड्यूल 4, यहाँ पर आपकी बेसिक पे जैसे अभी 14680 रुपया, तो आप टाइप कर लेंगे यहाँ पर, और एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेस यानी कि SCP इसको बोलते हैं, SCP को आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। 1 अक्टूबर 2017 को आपको SCP लगनी है। यहाँ पर 1 अक्टूबर 2017 इंक्रीमेंट एप्लीकेबल यहाँ पर नो सेलेक्ट करना है, क्योंकि इंक्रीमेंट आपको जुलाई में पहले मिल चुका है, इसलिए यहाँ पर आप इंक्रीमेंट प्लस नहीं करेंगे। ग्रेड पे यहाँ पर आप ग्रेड पे सेलेक्ट करेंगे, वही 9300 से 34800 और GP 3600 ग्रेड पे, और यहाँ पर आप अपना बेसिक 14680 टाइप करेंगे। आखिरी में हाउस रेंट एलोंस यानी HRA 10% उस समय जो 1 अक्टूबर 2017 को था, और यहाँ कैलकुलेट पर क्लिक करते ही आपके सामने जनरेट शीट आपके सामने आ जाएगी, जिसमें पे कैलकुलेशन 6 पे कमीशन यानी कि ये पहले 6 पे की कैलकुलेशन है, जो 1 अक्टूबर 2017 को 139% डीए के साथ में जो आपको सैलरी मिली है, इसमें फिक्सेशन इफेक्टिव डेट एंड शो, और यहाँ पर आपको SCP सहित जो डिफरेंट अमाउंट मिल रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे 7 पे कमीशन, जो 7 पे की जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पर है, जिसमें नेट डिफरेंट अमाउंट 3 रुपये का बताया गया है, जिसमें ये सैलरी आपको जैसे 1 दिसंबर 2017 तक का यहाँ पर कैलकुलेशन किया हुआ है, यानी कि दिसंबर के पेमेंट के साथ में 1 जनवरी को आपको जो भी एरियर के साथ में ये पेमेंट प्राप्त हो सकता है, जिसमें आप अपना डिफरेंट आसानी से देख सकते हैं, जिसमें आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया है कि SCP डेट 1 अक्टूबर 2017 यानी कि अक्टूबर को आपको SCP मिलनी है, वो अगर नहीं मिली है डिफरेंट अमाउंट के रूप में यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी आगे। तो इस तरीके से इस शीट को आप जनरेट स्टेटमेंट को जैसे ही यहाँ पर फिक्सेशन पर क्लिक करेंगे स्टेटमेंट, तो यहाँ पर ये शीट यहाँ पर जनरेट होकर नीचे आ गई है, जिसको आप आसानी से यहाँ से डाउनलोड शीट को खोलकर देख भी सकते हैं, मोबाइल में भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये प्रबोधक कर्मचारियों के लिए SCP सिलेक्शन के बाद में इस शीट में जो कैलकुलेशन आएगी उसको आप आसानी से देख सकते हैं। ओके मित्रों।
मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ओके, थैंक्स।